माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जालंधर में भक्तों ने माँ बगलामुखी जयंती बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से मनाई। इस दौरान सर्वप्रथम झंडे की रस्म अदा की गई, जिसके पश्चात माँ भक्तों के सहयोग से 11 लाख रुपए की कीमत के आभूषण, जिसमें चांदी का मुकुट और सोने का हार और अन्य आभूषणों से माँ बगलामुखी जी का श्रृंगार किया गया, जो कि सबके आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी, अकाली नेता चंदन गरेवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर नवजीत भारद्वाज ने कहा कि मानव का भविष्य कर्मों के आधार पर तय होता है। अच्छे कर्म करने वाले लोगों का जीवन काल सुखमय, शांतिमय व निरोग व्यतीत होता है और बुरे काम करने वाले लोगों का जीवन दुखदायी, अशांत और रोग भय होता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर श्रीकंठ जज विशाल अग्रवाल, मधुकर कत्याल, अमरिंदर कुमार शर्मा, विक्रम भसीन, गुलशन शर्मा, राकेश प्रभाकर, सुनील शर्मा, अरुण निर्मल शर्मा, सिमरन सिंह, गुरबाज सिंह, हितेश, रोहित बहल, गोपाल मालपानी, विक्रांत शर्मा, दिनेश, पंकज उपाध्याय, गौरव कोहली, डॉक्टर जसबीर अरोड़ा, मोहित बहल, गीतेश, वरुण, अश्विनी शर्मा, राजेश महाजन, अमरिंदर सिंह, संजीव शर्मा, यज्ञदत्त, प्रदीप शर्मा, रजत वालिया और सुनील जग्गी सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सेवादार विक्रम सिंह जी जैसा हो रहा, सारी टीम कहती कि असी सवा लाख जाप दी आहुति डालनी है। विचार विमर्श होया कि कैसे हो सकता। मैं तुसी देखो, मैं पहला गिनती कर रहे सी किन्ने लोग है अपने सेवादारी जिहड़े है, गिनती कर लो 50+ है। पिछले संगत गिन लईए ते टोटल जिहड़ी संगत पा के 1.25 लाख आउती होनी हवे जो लेनी है। जिकारा बोला उही माता जी दा पिछे दी संगत ते ए सेवादारा नूं तुसीं गिन लईए 10 माला जाप होना। दरबार के महामय त्वजा सारे सेवादार जिहड़े आए है उन्होंने घर परिवार सुख शांति देनी है, हर पास्यों इज्जत मान देना है और समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर किसी भी तरह के कोई कष्ट हो मां दूर करना, पुत्र पौत्र संपन्न करना और हर पास्यों जित देनी है। इदां दी अतुलित बल देनी है भी मन नीवा और मत उच्ची होवे। हे मां जगदंबा, दया करनी, कृपा करनी, कितने मैं दा भावना आ जाए किसी भगत दे विच कि मैं बहुत ज़्यादा वड्डी सेवा करती है ते मैं ज़्यादा करती है। उहदा घमंड और उहदे जिहड़ा माण है, आकड़ है, वह तोड़ के मां अपने चरणां च लगाना और इदां ही सेवा बख्शनी है। तुहाडे दरबार ते इदां ही सदा ही मेले लगे रहन और तुहाडी जय जयकार हुंदी रहे। हे पितंबरा, तुसीं वड्डे वड्डे जिहड़ी मिट्टी है उहनां नूं शाह कीता है, राजे बनाया और वड्डे वड्डे शाहां नूं मिट्टी करके सड़ दिता। हे जगदंबा, मैं तुहाडा पुत्तर नवजीत तुहाडे चरणां च बारंबार प्रणाम करदा। सारे सेवादार
बारंबार प्रणाम करते हैं माँ, कृपा कर, घर परिवार सुख शांति दे, पुत्र पुत्र संपन्न कर और हर पास्यों जित दे, मुकदमे च जित दे, सरकारी जित दे, हर पास्यों जित दे, जिहड़े दुश्मन है उन्हां दी जीव पकड़ के माँ, जिदा मुकदर के नाल तुसीं शत्रुआं दा संघार किया, असीं तुहाडे पुत्र हैं, तुहाडे बच्चे हैं, तुहाडियां बच्चियां तुहाडे दरबार ते आ के ये तुहाडे महाराज ध्वजा अर्पित कर रहे हैं माँ। इन्हां दे जिन्ने भी कोई ग्रह बाधा है, कोई कीता कराया, कोई खादा खिलाया, कोई आदि व्याधि प्रॉब्लम है माँ, तुहाडे दरबार से अज तक जिहड़ा आया खाली झोड़ियां लै के आया और भरियां झोलियां लै के गया माँ, इदां ही अपना आशीर्वाद रखना है। असी लगातार तुहाडे चरणा च इदां ही बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी भुल बख्शांदे हुए ये ध्वजा तुहाडे दरबार से अर्पित कर रहे हैं माँ। फैले उदा उदा तुहाडे भगतों की कीर्ति, यश, इज्जत, माण और हर पास्यों जित माँ तुसीं देनी है और सारयां दे उत्ते अपना आशीर्वाद रखना है। जकारा बगला मुखी माता जी दा। भैया का वे आवे, भैया का वे आवे।